नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने सर दोस्तों उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना बताया था। अब जो हमारा अगला लेक्चर है वो है अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉन। कुल मिला के उत्तल लेंस पिछले वाले केस में देखा हमने, यहाँ पर क्या देखा था, इमेज को फॉर्म करेंगे किसके द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा। तो उत्तल लेंस में दोस्तों हमने 6 केस देखे थे, जिसमें 5 केस में वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता था, छोटा या बड़ा वो तो केस के ऊपर डिपेंड करता है कि वस्तु कहाँ रखी गई है। लेकिन 6वें केस में इमेज ठीक उस 5ों के अपोजिट बना था। तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा दोस्तों, अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब का बनना होता है उस कॉन्सेप्ट में सिर्फ और सिर्फ 2 ही केस पाया जाता है। फर्स्ट केस है जैसा कि आपको फिगर में दिखाया भी गया है, पहले ही लिखा गया जा चुका है, जब वस्तु कहाँ स्थित हो दोस्तों, अनंत पर स्थित हो। जैसा कि आपको पता है कि अवतल लेंस की आकृति कुछ ऐसी होती है, तो जब वस्तु कहाँ कहाँ है, अनंत पर स्थित है, तो आप मान सकते हैं कि ये भी वस्तु है अनंत पर स्थित है। और आपको पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, बाहर निकलती है, फिर ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई और ये कहाँ गई, बाहर। अगर हम इन्हीं किरणों को पीछे की तरफ मिलाते हैं तो जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु पर क्या बनता है दोस्तों, इमेज बनता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप कॉन्सेप्ट ध्यान रख सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से अत्यंत छोटा अर्थात बिंदु के आकार का लेंस के द्वितीय फोकस यानी मुख्य फोकस पर बनता है। तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, जब वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, तो उसका किरण आरेख कुछ ऐसा होता है। ये अवतल लेंस हो गया, अनंत पर वस्तु ये भी रखी गई है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई, ये बाहर निकली, फिर नीचे से भी मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई, बाहर अपवर्तित हुई और फिर इस अपवर्तित किरण को पीछे की तरफ मिलाया गया, तो जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु पर इस वस्तु ए बी का इमेज बनता है, ए डैश बी डैश बनता है, चूंकि यह बिंदु के आकार का बनता है। तो इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि जब वस्तु, आप इधर देख सकते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दें, अब आपको दिखाई दे रहा हो, कह सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से अत्यंत छोटा अर्थात बिंदु के आकार का लेंस के द्वितीय फोकस अर्थात F2 पर बनता है। जो अवतल लेंस का द्वितीय फोकस होता है उसे ही मुख्य फोकस कहते हैं, जिसे हम कैपिटल F से भी प्रदर्शित करते हैं। चूंकि आप देख सकते हो कि कैपिटल F कहाँ है दोस्तों, लेफ्ट में है, इसलिए अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है, जबकि उत्तल लेंस की फोकस मुख्य फोकस दूरी कहाँ होती है, राइट साइड में होती है, इसलिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो आप कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे दोस्तों, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से अत्यंत छोटा अर्थात बिंदु के आकार का लेंस के द्वितीय फोकस F2 पर बनता है। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, जब वस्तु क्या स्थित हो, अनंत और F2 के बीच स्थित हो, यानी अनंत काफी दूर और F2 प्रथम द्वितीय फोकस के बीच कहीं पर स्थित हो वस्तु, हमने AB को यहाँ रख दिया तो मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ पर किरण आरेख नहीं दिखाया जाए, तो आप इस तरीके से फिगर बना दें। तो दोस्तों यहाँ पर किरण आरेख नहीं दिखाया गया था, चलिए मैं बना दे रहा हूँ। ये आपको पता है कि वस्तु को जब AB है तो इस बी से चलने वाली किरणें मुख्य अक्ष से समांतर किरण गई, ये कहाँ गई, बाहर, और फिर इसको मिलाया गया तो कहाँ निकलती है, पीछे की तरह F2 से जाती हुई प्रतीत होती है, यानी द्वितीय फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। फिर मैंने लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के रूल में बताया था, तीसरा रूल, कि प्रकाशीय केंद्र यानी सी से होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के क्या होती है, सीधे निकल जाती है। तो जाहिर सी बात है कि जब ये दोनों किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर कट करती है वहीं पर इमेज AB का इमेज बनेगा, A'B'। तो इस तरीके से AB का जो इमेज बना है दोस्तों A'B' यहाँ पर बना, तो आप देख सकते हो कि A'B' जो इमेज बना है वो कहाँ बना है, F2 और सी के बीच में बना है। तो आप कह सकते हैं कि जब वस्तु अनंत और F2 के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से छोटा द्वितीय फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं पर बनता है। यही चीज आपको डिटेल यहाँ लिखी गई है कि जब वस्तु अनंत और F2 के बीच स्थित हो तब वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से छोटा F2 और C के बीच कहीं पर बनता है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आप एक दो बार वीडियो देखें फिर चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरह, चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जब भी लेंस या दर्पण के सवालों को जब सॉल्व करते हैं तो उसमें चिन्ह परिपाटी के बगैर आप संभव ही नहीं कि सॉल्व करें। तो अगर मैं मान लूँ कि इस एक्सिस की जगह यहाँ उत्तल हो या अवतल हो, अगर राइट चलेंगे तो प्लस, लेफ्ट चलेंगे तो माइनस, ऊपर जाएंगे तो प्लस और लेफ्ट जाएंगे तो माइनस, यही साइन कन्वेंशन यानी चिन्ह परिपाटी आपको दिखाया गया है। अब देखिए अगला टॉपिक देखते हैं, लेंस का सूत्र। तो लेंस के सूत्र के बारे में थोड़ी हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि लेंस के सूत्र क्या है। तो लेंस का सूत्र, फॉर्मूला ऑफ लेंस, ये होता है 1/f = 1/v - 1/u। ये लेंस का सूत्र होता है। क्लास 10th तक इसमें प्रूफ नहीं पूछा जा रहा है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हटा दिया है। अगर ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपको ज़रूरत है तो आप कमेंट में लिखें, मैं इसको भी प्रूफ करके भी बता दूंगा कि आखिरकार ये प्रूफ कैसे होता है। जहाँ f क्या है दोस्तों, फोकस दूरी है। v क्या है, आप कह सकते हैं कि आपको दिखाया भी गया है, देखिए, चलिए, जो आप देख सकते हैं कि भी क्या है, f क्या है, फोकस दूरी है, u क्या है, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी, और v क्या है, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी। इसमें f, u, v को प्रॉपर चिन्ह यानी प्लस या माइनस के साथ लिखते हैं। वही जो मैंने अभी साइन कन्वेंशन बताया, ये तो अगर राइट साइड में अगर कोई होगा तो प्लस, लेफ्ट में होगा तो माइनस, ऊपर जाएगा तो प्लस, नीचे जाएगा तो माइनस। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसको साइन कन्वेंशन के थ्रू ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि लेंस या जितने भी दर्पण के सवाल होते हैं विदाउट चिन्ह परिपाटी के आप उसे सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों ये लेक्चर काफ़ी छोटा था, फिर भी आपको इसमें भी कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपको प्रॉब्लम दूर की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स, ओके।